एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग बताती है कि यही वो जगह है जहाँ पे तुम लोग को सुपीरियर स्पेट्स को समन करने के लिए विश करना पड़ेगा कहने कन्या पूछे भी कि वो लोग कैसे आएंगे इस बताती है कि तुम उनसे प्रेयर कर सकते हो कि मेरी हेल्प करो या फिर चलो आज खेले कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे इस पे यहाँ पे रोता कहता है की वो लोग सच में आएंगे और कहना कहता है फिक्र मत करो फिर वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे चिंता मत करो तुम लोग बस ट्राई करो सब कुछ जो होगा वो सही होगा और अगर कोई भी स्पीड नहीं आती है तो मैं यहाँ पे एक डीमन को स्पॉन कर दूंगा फिर तो अपना काम बनी जाएगा हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे गेल जाता है सुप्रियर स्पीड को स्पॉन करने के लिए वो यहाँ पे रेमरो बोलता है अगर मेरे को कुछ भी हो तो प्लीज मेरे को बचा लीजिएगा वो यहाँ पे नीचे झुकता है और प्रे करने लग जाता है यहाँ पे थोड़े टाइम तो कुछ नहीं होता लेकिन देखते देखते यहाँ पे छोटे छोटे जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आने लग जाते हैं जिनको रेम्रो देख के बोलता है ये सुप्रियर स्पीड तो नहीं है बल्कि ये जो है इन्फीरियर स्पीड्स है मतलब थोड़ी लो क्लास स्पीड वो बोलता है अगर मैं इनको अपने स्किल से एक बार में ऑब्जॉर्व कर लू और डीजनरेट से इसको एक सुप्रिय स्पीड में कन्वर्ट कर दू तो बढ़िया रहेगा अब यहाँ पे ग्रेटिस पूछती है की आपको ये स्किल एक्टिवेट करनी है इस पर रिम्रो यस कहता है और हम देखते हैं रिमरू सारा सारा जो भी पार्टिकल्स और स्पिरिट्स होती है ना रिमो सबको स्किल से यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लग जाता है इसमें यहाँ पे कहती रिम्रेस तुम क्या कर रहे हो तुम ये सारी स्पिरिट्स को खा गए रिमरू कहता है बस तुम देखते जाओ फिर यहाँ पे गेट से पूछती है क्या आपको डी यूज करना है उस पर ग्रेट से बोलती है की सुपीरियर स्पीड यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है जो की यहाँ पे अर्थ की है कैसे गेल गिल्ल ट्रांसफर करा जाए जिसमें रिम्रो यस कहता है और हम देखते हैं पे गेल के ऊपर हाथ रखता है और रिमरो अंदर ये सो स्पेट है वो ट्रांसफर करने लग जाता है रिमब्रो बोलता है काफी बढ़िया इसकी जो मेजिकल एनर्जी थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है काम बन गया गे अब पूछते मैं सही हो गया जिससे रिम्रो बोलता है बेल्डन तुम तो अब एकदम परफेक्टली फाइन हो अब हम देखते हे है एलिस की बारी होती है एलिस यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस दिख रही थी लेकिन भाई उसके प्रे करने पे भी यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स आ जाते हैं जिसको यहाँ पे स्किल से करके रिमरोट एबिलिटी के उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है जिससे एलिस भी यहाँ पे ठीक हो जाता है ती है और उसकी मेजिकुल्स भी काफी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं अब यहाँ पे कन्या की के बारी होती है वो बोलता है अब ये मेरी बारी है इससे पहले वो प्रे कर पाता है यहाँ पे कोई चीज फोन लग जाती है और कहने कहता है मैं तो अभी प्रे करना स्टार्ट भी नहीं करा था हम देखते हैं कि एक स्प्रिट स्पॉन हो जाती है जो एक एल्फ की तरह लग रही थी अब इसके पास यहाँ पे रमेश जाती है बोलती तुम यहाँ क्यों आ गए तो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे इस बच्चे के लिए आया हूँ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या अब ये बताता है की मैं एक लाइट स्पिरिट हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा अब ये कन्या पूछता है की ठीक है क्या सच में हमारी हेल्प करेगा जिसप्रे वो बोलता है बस देखते जाओ अब यहाँ पे स्पिर बोलती है अच्छा तुम्हारा नाम कन्या है जिक्र मत करो मैं तुम्हें पे जरूर से बताऊंगा और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा बाद में लोग क्या पता हीरो भी बन जाए और फिर वो यहाँ पे कन्या के बॉडी के अंदर चल जाता है पूछता है सब कुछ है हैं हाँ, सब कुछ परफेक्टली प्लान के हिसाब से चला है अब हम देखते हैं पे की बारी आती है और रोता में भी सेम रिव्यू करता है वो साइज फीट्स के पार्टिकल्स को करता है और रेवता के अंदर ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट सीन में पे क्लोई आती है और रिम्रो बोलता है बस ये आखिरी बची है अगर ये भी सक्सेसफुल हो गई तो मेरा काम बन जाएगा अब क्लोई कहती है रिमरो आपसे एक बात कहनी है और वो बोलती है की मुझे आप पसंद हो इस इसे रिमरू कहता है की मेरे को भी अब फिलहाल चलो काम करते हैं रिमरो सोच रहा होता है अगर ये आठ नहीं नहीं दस साल और बड़ी होती तो खुशी भी होती फिलहाल क्या ही कर सकते हैं अब हम देखते हैं जब क्लो यहाँ पे प्रेयर कर रही होती है तो एक अलग सा सेंसेशन होता है एक अर्थ कोई टाइप का आता है जैसे वो नीचे गिर रहा हो हम देखते है ये कोई सुपीरियर स्पिरिट नहीं है ये स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी बहुत हाई स्टेट की वो यहाँ पे आगे बढ़ती है और रिमरो के बॉडी के अंदर से किस करते हुए पास करती है पीछे मुड़के देखता है उसको उसके अंदर हीरो रिमरो को नहीं पता हीरो दिखता है हम ते हैं कि रिमरू के अंदर वेल्ड्रा जो होता है उसकी पॉर जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी जिसमें रिमरू कहता है ये कैसा सेंसेशन है या फिर अमरीश कहती है की मैं तुम्हें क्लोए के बॉडी के, के अंदर नहीं जाने दूंगी और वो रोक रही होती है लेकिन वो स्पीड यहाँ पे क्लोए की बॉडी के, के अंदर एंटर कर जाती है इसमें रिमरू कहते है की कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें पर बताती है मैं क्या रिमरू पे बोलूँ रिमरोफाईटी को यूज करता है और बोलता है यहाँ पे क्लोए तो एकदम नॉर्मल हो चुकी है मेजिकल जो है वो एकदम से स्टेबल हो गए बाकी से काफी ज्यादा अमरिश बताती है की जो ये स्पेशल एनर्जी थी ना ये बेसिकली फ्यूचर से आए हुए होते हैं जो की मेरे ख्याल से क्लोए की यहाँ पे स्पिरिट थी

अमरीश के लिए कोलम भी बनाता है क्योंकि उसने यहाँ पे अमरीश का कोलम तोड़ जो दिया था रिमरू बोलता है इस गोलों को बनाने में भी काफी झंझटे आई थी लेकिन हाँ ये किसी और टाइम की स्टोरी होगी अब हम देखते हैं वापस उस कंट्री में आ जाता है और यहाँ पे युकी को सब कुछ बता देता है रिम्रो के पूछने पे की उन लोग अब क्या होगा क्यूँकी बोलता है अब वो अकेडमी में नॉर्मली पढ़ेंगे एंड फ्यूचर में वो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं यूकी पूछता है एक बात की मुझे ये बताओ तुमने ये सब करा कैसे हम हाँ लोग को तो ये करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था इस पे बोलता है वो सीरेट है और वो यहाँ पे ढेर सारी मांगा और लाइट नोल होते हैं यूकी के लिए यहाँ पे जनरेट कर देता है जिसको देख यू की कहता है की थैंक ये एहसान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले से रंग खेल रहे होते हैं और रिमब्रो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा होता है कि फाइनली मेरा ये आखिरी काम भी खत्म हो गया कितना टाइम हो गया मेरे को इस वर्ल्ड में आए कितनी चीजें बदल गई हैं और याद करता है कि फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे केव में जब आया था तो कितना ज्यादा वो सरप्राइज था फिर उसने यहाँ पे वेल्डर को ऑब्जर्व कर लिया उसके साथ यहाँ पे फ्रेंडशिप बना ली जब वो बाहर आए उस केव से तो उसको इतना बड़ा मौसम समझ लिया कैसे फिर यहाँ पे रिमलो ने सारी सारे गॉडल को काउंट डाउन कर फिर उन्होंने जो भी वुल्स थे जो भी अटैक कर रहे थे उनको यहाँ पे एक साथ लाया यहाँ पे शुरू से फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसकी मुलाकात हुई जो की काफी अमेजिंग थी हालांकि शिजु के अंदर यहाँ पे जो डीमन हिट था उसके स्पॉन स्पॉस पे रिमरू ने उसको शांत भी करा एट दी एंड शिदू जब अपना यहाँ पे दं हो रही थी तो उसने रिमरू को अपनी लास्ट यहाँ पे ख्वाहिश बताई और अपनी जो बॉडी है वो रिमरो को दे दी इसके बाद रिमरो को ये अपनी ह्यूमन बॉडी मिल गई जिसकी वजह से वो चीजें टेस्ट कर पाता था थोड़े दिन के बाद यहाँ पे ऑक्स का यहाँ पे इन्वेजन हुआ उसके बाद इसको ये लोग मिल गए जो की काफी अच्छे फ्रेंड्स है और रिमरो बोलता है की मैं इन दोनों के बीच की लड़ाई कैसे बोल सकता हूँ इनके बीच में मेरे को पिसना कितना दिमाग खराब हो जाता था वो बोलता है की सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तभी यहाँ पे काबीरो की एंट्री होती है जो की काफी ज्यादा ड्रामेटिक थी फिर यहाँ पे ट्रेनिस्तान की एंट्री हो जाना पहली बार मैंने कोई ड्रेड देखा था साथ साथ में फिर हमारी फाइट जो की ऑक्स के साथ हुई थी बैनी मारो ने तो यहाँ पे तबाही मचा दी थी एट एंड मैंने पे दौट को मार के सबको एक साथ यहाँ पे असेंबल करा और फिर काफी ज्यादा प्रोग्रेस होने के बाद यहाँ पे मिलिम का यहाँ पे हुआ जिसके बाद फिर यहाँ पे क्राइप डे का हुआ। जिसको मिलिम ने यहाँ पे चुटक्यू हरा दिया था वो देखे तो मैं भी हैरान हो गया था और फिर वो बोलता है एट दी एंड सारे सारे बच्चों से मिलना और उनके साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना बोलता है की फाइनली मेरे सारे सारे काम खत्म हो गए आई होप की खुश होगी अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे एक टीम को देखते हैं जो की यहाँ पे मैजिक टुल वाली बॉल में रिमरू को देख रहा होता है और बोल रहा होता है की आगे चल के यही वो बंदा है जो मेरे को इस दुनिया की सच्चाई दिखाने में मदद करेगा अब हम देखते हैं कि रिम्र सब से अलपिता होता है सारे बच्चे रो रहे होते हैं तो सबको हक करता है और यूके से कहते हैं ध्यान रखना की तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो यहाँ पे कैनिया एलिस सब लोग काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अभी क्या आप यहाँ पे ज्यादा नहीं रुक सकते इसपे क्लोहे आगे आती है वो रो रही होती है और कहते है, फिगर मत करो मैं तुम्हें ये मास्क दे रहा हूँ और वो यहाँ पे पेशों का मास्क क्लोहे को दे देता है लोहे बोलती है देखो ये मास्क फाइनली मेरे पास आ गया इस सारे बच्चे बोलते हैं ये तो अनफेर है और फिगर मत करो तुम लोग के लिए मेरे पास गिफ्ट है और सारे सारे बच्चों को यहाँ पे एक अलग सी कॉस्ट्यूम देता है जो की काफी ज्यादा फैंसी होती है एलिस और क्लोह को भी को काफी ज्यादा पसंद आती है एलिस कहती है तो काफी ज्यादा फैंसी है रिब्रो कह रहा होता है कि ये मेरी कंट्री की मेरी खास फ्रेंड मतलब सोना के द्वारा बनाई गई ड्रेसेस है होप तो, तो तुम्हें पसंद आएंगी और वो इन सबसे अलविदा लेके यहाँ से जाने लग जाता है वो लोग कहता है की हम वापस मिलेंगे क्लोए कहती है की आई होप के हमारा यहाँ पे मुलाकात वापस से हो क्यू बहुत सी चीजें हैं जो की मेरे को आपसे अभी भी, भी पूछनी है अब रंगा जाते हुए पूछ रहा होता है की आपने उसको मास्क क्यों दे दिया जो की आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था इसमें रिब्रो कहता है पता नहीं क्यूँ लेकिन मेरे को उसको वो मास्क दे देना एक नेचुरल डिसीजन लगा और सही भी हम देखते हैं कि लोग जा रहे होते हैं तभी इनको कोई बंदा स्पाई कर रहा होता है कहता है रिमरो फाइनली काफी दिनों बाद में अपनी कंट्री वापस लौट रहा हूँ वो कहता है चलो जल्दी चलते हैं हमारा सब लोग वेट कर रहे होंगे रंगा हाँ बोलता है लोग इस लेडी की देखते हैं जो की यहाँ पे को कोई कर रही होती है और बोल रोती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया अब यहाँ पे लास्ट में रिमरू बोलता है मैं रिमरू ईयर का एक ओल्ड मैन जो कि यहाँ पे रिगार्ड हो गया एज अ स्लाइम एंड गाइस इसी साथ इस एने का सीजन वन का लास्ट एपिसोड एंड हो जाता है इसके बाद एक एक्स्ट्रा एपिसोड है उसके बाद अगला सीजन है तो सब्सक्राइब कर दो उसका अगला सीजन देखने के लिए बाकी मैं मिलता गुड बाय